हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे ड्राइंग मटेरियल्स के ऊपर एक वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मैं कौन से ड्राइंग मटेरियल्स यूज़ करता हूँ। इसके पहले भी मैंने इस ड्राइंग मटेरियल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग मटेरियल्स इसमें ऐड कर रखी है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सबको बता दूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं यूज़ करता हूँ बूस्टर की 200 GSM के ड्राइंग पेपर्स, जहाँ पर मेरे पास है A4 और A3 साइज़ के भी पेपर्स अवेलेबल है। मार्केट में तो बहुत सारी पेपर्स की ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन मुझे बूस्टर ड्राइंग पेपर्स में ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं पेंसिल्स के तौर पर आर्टलाइन की पेंसिल्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये मार्केट में बहुत कम प्राइस में भी मिलती है। बिगिनर्स के लिए ये पेंसिल तो दी बेस्ट पेंसिल्स है। इस पेंसिल को सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं। और मैं यूज़ करता हूँ मेरे ड्राइंग्स में मैकेनिकल पेंसिल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पास 3 मैकेनिकल पेंसिल्स है, जिसमें HB, 2B और 4B की लेड्स है। ये मैकेनिकल पेंसिल्स भी बहुत काम की चीज़ होती है, जैसे कि आउटलाइन बनाना, हेयर्स ड्रॉ करना, आईब्रोज ड्रॉ करना, आईज ड्रॉ करना, ऐसे छोटे छोटे काम मैकेनिकल पेंसिल से ही कर सकते हैं। और नेक्स्ट ड्राइंग मटेरियल से वो है ब्लेंडिंग स्टम्प्स। मैंने पहले भी कहा था मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। पोर्ट्रेट के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन बड्स का यूज़ करता हूँ। इसके अलावा ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन्स का यूज़ करता हूँ, जैसे कि बड़े बड़े एरियाज़ के लिए कॉटन्स बहुत अच्छा काम आ जाता है ब्लेंडिंग करने के लिए। उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए और एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, वो है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को भी ब्लेंडिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड के बड़े बड़े एरियाज़ को हम टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग करने के लिए मेन मटेरियल्स होते हैं ब्रशेस। कुछ इतने सारे मेकअप ब्रशेस है मेरे पास, जिसको मैं ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ। ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स ऐसे देखे होंगे, लेकिन ब्लेंडिंग करने के लिए जैसे मेकअप ब्रश यूज़ करके मज़ा आता है ना, वैसे दूसरे कोई मटेरियल्स यूज़ करके मज़ा नहीं आता वैसा। और मेरे पास है 2 टाइप के इरेजर, जैसे कि आप देख रहे होंगे टोम्बो मोनो 0 इरेजर और एक नीडेड इरेजर। टोम्बो मोनो 0 इरेजर जैसे कि हाइलाइट्स देने के लिए काम आते हैं, जैसे हेयर्स और आंखों की जो शाइनिंग होती है ना, उसको भी हाईलाइट करने के लिए टोम्बो मोनो 0 इरेजर काम आता है। इन सब के अलावा मैं यूज़ करता हूँ नीडेड इरेजर को, जैसे कि ये ग्राफाइट को अच्छी तरह से ऑप्ट कर लेता है और इसका डस्ट भी नहीं होता है। और इस नीडेड इरेजर को हम किसी भी शेप में बनाकर, किसी भी साइज़ का बनाकर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यह इरेजर मेरा फेवरेट इरेजर है। इस नीडेड इरेजर को यूज़ करके आप किसी भी शेप बना सकते हो और किसी भी छोटी छोटी एरियाज़ को आप रफ कर सकते हैं। कुछ इतने इरेजर्स को मैं अपने ड्राइंग बनाने में यूज़ करता हूँ। और मैंने इमरजेंसी के लिए टोम्बो मोनो इरेजर्स की रिफ़िल्स भी बाय करके रखे हैं। और ये है राउंड टिप वाली टोम्बो मोनो 0 इरेजर्स की रिफ़िल, ये मेरे पास 3 अभी भी स्टॉक में है। और मेरे पास है फ्लैट टिप वाली 2 इरेजर्स। इसके अलावा हाईलाइट देने के लिए मैं वाइट जेली रोल पेन का यूज़ करता हूँ। और मेरे पास है अप्सरा के शार्पनर्स, जिसको मैंने पहले बहुत यूज़ करता था, लेकिन आजकल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल मैं नाइफ से ही शार्प करता हूँ। मेरे पास एक कटर है, जैसे मैंने कहा था ना मैं नाइफ से शार्प करता हूँ, मैं इसी कटर से मेरे पेंसिल्स को शार्प करता हूँ। जैसे पहले मैं शार्पनर्स को यूज़ करता था, लेकिन आजकल शार्पनर को बहुत कम यूज़ करता हूँ। कटर से जैसे चाहिए आप वैसे अपने पेंसिल्स को शार्प कर सकते हो, जैसे कि पेंसिल्स की लेड थोड़ी बाहर रख के, लेकिन इस तरह बड़ी रख कर शार्प करेंगे तो ड्राइंग करने में आसानी होगी और अपना आगे वाला एंगल भी सही से दिखेगा। इसलिए मैं आजकल शार्पनर का यूज़ बहुत बहुत ही कम करता हूँ।
और इस वीडियो पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जुगाड़ू टाइप कुछ पेंसिल एक्सटेंडेड भी बना के रखे हैं। आप बिगनर्स हो तो पेंसिल एक्सटेंडेड को कभी बाय मत कीजिए। जैसे कि 3 रुपए के पेन्स को यूज़ करके आप पेंसिल एक्सटेंडेड बना सकते हो। और टोम्बो मोनो इरेजर के रिफिल्स की कंटेनर होती है ना, उसका भी आप पेंसिल एक्सटेंडेड बना सकते हो। मैंने जैसे ऐसे ही जुगाड़ू टाइप पेंसिल एक्सटेंडेड बना के रखे है। और मेरे पास है स्टैडलर की कलर पेंसिल, जैसे कि मैंने इससे एक भी आर्ट वर्क नहीं बनाया है शायद, आगे बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं यूज़ करता हूँ मेरे ड्राइंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बूस्ट्रो की फिक्सेटिव। मैं स्टार्टिंग पे कैमलिन के फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ करता था, लेकिन आजकल मैं बूस्ट्रो की फिक्सेटिव स्प्रे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे कमीशन और आर्ट वर्क्स में। और मैं ग्रिड्स बनाने के लिए स्केल का यूज़ करता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा ग्रिड्स के लिए स्केल की कितनी ज़रूरत पड़ती है। कुछ इतने ड्राइंग मटेरियल्स मैं अपने ड्राइंग्स करने में यूज़ करता हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं किसी ट्यूटोरियल वीडियो पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।